Maruti! 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 सुशेन नील बता दो अपने मित्रों को कि तुम ही यहाँ पे सर्वाधिक बलशाली हो नील करके दिखाओ अति सुंदर नील अति सुंदर तुम कर सकते हो नील तुम कर सकते हो नील करो नील नील तुम्हें जीतना है तुम्हें विजयी होना है नील नील तुम कर सकते हो नील तुम्हें ये तो उस महानतम की करुण पुकार है अब इसे क्या हो गया मारुति पुत्र मारुति मारुति नील गंधमादन मारुति पुत्र मारुति गंधमादन सुशेन मारुति नल पुत्र मारुति गंधमादन मारुति पुत्र मारुति मारुति चिंता मत करो प्रिय मिल जाएगा मारुति और उसके मित्र कहाँ जा सकते हैं मुझे तो बहुत चिंता हो रही है महाराज तुम यहीं ठहरो मैं अभी आता हूं महाराज युवराज मारुति और पाठशाला के छात्रों के खोज में भेजे गए सारे सैनिक निराश लौट आए हैं और उसके मित्रों की खोज में गए सारे सैनिक निराश लौट आए किंतु मारुति मेरी अनुमति के बिना कहां जा सकता है मैंने उससे वचन भी लिया था कि मेरी अनुमति के बिना वो राजभवन से बाहर कभी ना जाए आज प्रातः प्रतियोगिता में जाने से पहले मारुति कुछ कहने के लिए लौटा था किंतु क्या कहा था उसने माँ माँ की आज्ञा के अनुसार मारुति ने दूध पी लिया अब माँ क्या मारुति राजभवन से बाहर पुरानी पाठशाला में माँ अनुमति हाँ हाँ जाओ बाहर जाओ माँ मारुति जाए ना आर्य पुत्र मुझे ध्यान आ गया कि मारुति और उसके मित्र कहां गए वो वाटिका नहीं अबे तो पुरानी पाठशाला गए हैं जो श्याम सदन वन के निकट है जहां वृक्षासुर राक्षस का वास है मंत्री जी मैं श्याम सदन वन की ओर जा रहा हूं आप सैनिकों को लेकर अति शीघ्र वहां पहुंचिए जी महाराज अब तक क्या से क्या कर दिया होगा मुझे अति शीघ्र प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचना चाहिए
मेरा हाथ चट्टान के नीचे दब गया है और हथेली के नीचे होने के कारण मैं इसे हटा भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा इन बालकों के सम्मुख मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। इस भारी चट्टान को मुझ महानतम के अतिरिक्त यहाँ केवल ये मरकट ही हटा सकता है। मित्र नल, वाली भैया को मारुति की सहायता की आवश्यकता है। नहीं मारुति, वाली भैया स्वयं इस चट्टान को हटाने में सक्षम है। मेरी सहायता करो नील, मेरी सहायता करो। किंतु देखो ना मित्र नल, नील नहीं कर पा रहे, मारुति से उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है। रुको मारुति, कदापि वाली भैया को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनके समान बलशाली की सहायता कोई बालक करे, और यदि तुमसे उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है तो उस पत्थर पर बैठकर थोड़ा विश्राम कर लो। जैसे वाली भैया अपना हाथ इस चट्टान से निकाल लेंगे, मैं तुम्हें बुला लूंगा। और बालकों को लेकर शीघ्र ही वापस लौटाऊंगा। सब मेरी भूल के कारण हो रहा है। आज मारुति कुदृष्टि से बचने का टीका भी लगवा कर नहीं गया, और मैंने कांच के टूटने के अपशकुन को अनदेखा कर दिया। सब मेरी भूल का परिणाम। तुम अपने आप को मत कोसो प्रिय, मारुति को कुछ नहीं होगा। प्रतियोगिता के कारण मारुति बालकों के साथ राजभवन से कुछ दूर चला गया होगा। धैर्य रखो प्रिय, मारुति अन्य बालकों के साथ अभी कुछ देर में तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा। मुझ पर विश्वास रखो प्रिय। मेरा
मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है आर्यपुत्र। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जिस विशाल चट्टान से बंद किया था उसके पुत्र ने आकर उसी चट्टान को कंदरा के द्वार से हटाकर मेरे निर्विघ्न आखेट का मार्ग खोल दिया। केसरी नंदन, मेरा भोजन बनने से पहले भविष्य में भी मेरे भोजन का प्रबंध करके जाना चाहता है तू? ये दहाड़ तो राक्षस वृक्षासुर की है। मारुति
जाओ और जाकर अपनी माँ का दिया हुआ अंगवस्त्र वापस ले आओ। से भी बढ़कर है। वर्षों पहले केसरी ने मुझे पिता के सुख से वंचित किया था। आज मैं शंभसादन का पुत्र वृक्षासुर केसरी को संतान सुख से वंचित कर दूंगा। हे माधव, अमावस्या के दिन वृक्षासुर को कौन कौन सी मायावी शक्तियां प्राप्त होती थी? अमावस्या के दिन उस मायावी राक्षस वृक्षासुर का बल कई सहस्र गुना बढ़ जाता था। उस दिन यदि वृक्षासुर को नष्ट करने के उद्देश्य से कोई उसकी एक शाखा तोड़ता तो उसकी मायावी शक्तियों के प्रभाव से पल भर में वहां कई नवीन शाखाएं निकल आती थी। इन्हीं मायावी शक्तियों के कारण अमावस्या के दिन वो राक्षस वृक्षासुर अजय था। किंतु निश्चल मारुति तो वृक्षासुर के चंगुल में फंसने जा रहे थे। सुमेरु और शम्भसदन वन को जोड़ने वाली कंदरा के विषय में ज्ञात तो नहीं हो गया? कैसी माँ हूं मैं, अपने पुत्र से पूछा भी नहीं कि मेरे पुत्र और उसके मित्रों की रक्षा करना। यदि आज उन्हें कुछ हो गया तो मैं आपकी चौखट पर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। यदि आज वाली भैया ने अबोध मारुति को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई तो मैं उनसे अपने सारे संबंध तोड़ दूंगा। आजा, आजा केसरी नंदन, मेरी शाखाएं तेरा आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रही है। अरे तुम सब इस ध्वनि पर ध्यान मत दो, कंदरा से बह रही वायु यह स्वर उत्पन्न कर रही है।
वृक्षासुर इतना अधीर क्यों हो रहा है? अपनी व्याकुलता के कारण कहीं ये मेरी सफल होती योजना को चौपट ना कर दे। वृक्षासुर मारुति के प्राण संकट में है। वृक्षासुर उस मरकर को पकड़। मैं नल हूँ, पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मारुति है। मारुति को क्षमा कर दो मित्र। ये क्या बात हुई, मित्र भी बोलते हो और क्षमा भी मांगते हो? चलो सखा, अब हम दोनों मित्र मिलकर आनंद उठाते हैं। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है।
केसरी नंदन, तुमने अपने मित्र को तो बचा लिया, किंतु स्वयं मेरे चक्रव्यूह में घिर गए हो। वृक्षासुर क्षुधा से अत्यंत व्याकुल प्रतीत हो रहा है, चलो अब उसकी क्षुधा शांत करते हैं। मायावी वानर, मेरे साथ चल, वृक्षासुर के साथ चल। मैं अभी तुझे तेरी धूर्तता का स्वाद चखाता हूँ। भयंकर कोलाहल कैसा? Maruti, 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 Maru
ये क्या? इसकी शाखा तोड़ने के उपरांत पुनः उगाती है? दुष्ट वानर, अमावस्या के दिन मेरे सम्मुख आकर तूने भयंकर भूल की है। अब तू मेरी मायावी शक्तियों से पार नहीं जा सकेगा। मेरी मायावी शक्तियां। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.